अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज बस मुझे मेरा काम जो ऑलमोस्ट हो चुका था, अब बच्चों को नहलाने जाना है मुझे, और फिर मुझे खुद भी नहाना है। तो जब मुझे खुद नहाना ही है तो मैं क्यों ना कुछ स्किन केयर कर लूँ। तो मैं थोड़ा सा देखिए कितने पिंपल आ रहे हैं मुझे थोड़े थोड़े, इसे मैं हल्का हल्का सा स्क्रब कर लूँगी। ये होममेड स्क्रब है, इसमें हल्दी है, बस आधा चम्मच हल्दी है, और ये खोपरे का तेल है, कोकोनट ऑयल। इसे मिक्स करके मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और पीछे मेरे बच्चे टॉयज से खेल रहे हैं, आप उनके आवाज़ को निग्लेक्ट करना। इसमें एक चम्मच तेल डाल देंगे। जब भी मुझे नहाना होता है ना, तब उससे पहले मैं अक्सर कोई ना कोई स्किन केयर कर ही लेती हूँ। कभी वक्त मिलता है तो कर लेती हूँ, कभी कभी स्किप भी हो जाता है बिजी शेड्यूल की वजह से। इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसको अप्लाई करना है। और मेरी स्किन मेरे को बहुत ड्राई भी लग रही थी, इसलिए मैंने ऑयल के साथ ही इसको अप्लाई कर दिया। मेरी स्किन जो है अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाएगी। जब तक ये सूखेगा मैं अपने बच्चों को नहलाऊंगी और दो चार काम है वो करूँगी, जब तक जो है ना ये अच्छे से लगा रहेगा फेस पे। मैं नहा धो के एक बार नमाज पढ़ लूँ, क्योंकि जल्दी अजान होने ही वाली है। उसके बाद नमाज पढ़ के सुकून से इफ्तार की तैयारी करूँगी, वही मैं आगे आपके साथ में शेयर करूँगी। और आपको मेरा ये स्किन केयर, आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं जाना है। मेरी स्किन कितनी क्लियर और फ्रेश लग रही है। अब मैं नमाज़ पढ़ूंगी और शाम को मुझे इफ्तार में जो तैयारी करने वाली है वो भी आपके अपने आगे शेयर करती रहूँगी। अभी बस शाम को इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ। मैं मूंग दाल के भजे बना रही थी। मैंने सिंपल से मूंग को 4 घंटा भिगा के उसको पीस दी थी, और ये चॉपर में मैंने अदरक लहसुन और प्याज और 2 हरी मिर्ची को मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ, और कोथी पुदीना धो के रख दी हूँ मैंने। और जो प्याज सारा मसाला मैं मूंग दाल में डाल दूँगी, नमक और धनिया पाउडर डाल दूँगी, और उसको अच्छे से मिला के रख दूँगी। इससे मेरे मूंग दाल भजिया जो है बहुत टेस्टी बनते हैं। और जीरा भी डाल दूँगी मैं, जीरे की जो है खुशबू अच्छी आती है। अब मैं 3-4 बड़े प्याज ना काट के रख ली हूँ। और जब मैं मसाला झालर बना रही हूँ उसके लिए, ये फली दाने हैं, गुजराती में इनको झालर भी बोलते हैं, वाल भी बोलते हैं। और फली बादाम जो फली मिलती है उसके दाने हैं ये। मैंने उसको उबाल के नमक में रख दी थी 2 सीटी 15 मिनट। और ये जो कोथली पुदीना मैंने धोई थी उसको मैंने पॉट में अच्छे से 2 हरी मिर्ची डाल के पीस दी हूँ। अब मैं तेल गर्म कर दी हूँ, तेल के अंदर कड़ी पत्ता और जीरे को अच्छे से रखने दूँगी, और उसके बाद चटक जाएगा, अच्छे से खुशबू आ जाएगी। फिर मैं इसमें प्याज चॉप करके डाल दूँगी, जो मैंने 2 काट के रखी थी प्याज, उसको अच्छे से हिला दूँगी। फिर नमक और जो मैंने हरा मसाला बना के रखी थी कोथली पुदीने का, वो डाल दूँगी, और उसको मैं अच्छे से पहले भूनूँगी 5 आँच पे। फिर इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर मैंने बना के रखी थी, होममेड मसाला है मेरा, रमज़ान में जो प्रिपरेशन की थी मसाले का, वो सारा मिला के मैं अच्छे से इसको भूनूँगी। इसका भूनना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जो फली दाने, थोड़ा पानी था उसके अंदर बॉयल किया हुआ, वो पानी के साथ ही मैं फली दानों को डाल दूँगी, ताकि जो मसाले है वो दम दूँगी इसको 10 मिनट के लिए, तो मसाले जो अच्छे से जो दाने हैं फली के उसके अंदर अच्छे से मसाला का टेस्ट आ जाए। अगर पानी नहीं होता है फिर हम दम देते हैं ना, जो फली होती है बहुत ज़्यादा सूखी सूखी बनती है, और मैं जो बनाती हूँ मैं हल्की सी गीली बनाती हूँ। तो अच्छे से हिला के मैं इसको 10 से 15 मिनट स्लो पर दम करने छोड़ दूँगी, तो हमारी जो फली है वो भी तैयार हो जाएगी। ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है, और ग्रीन मसाले में तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। इसको मैं दम दे दूँगी अभी। अब तेल चढ़ा दूँगी मैं कढ़ाई में, और जो भजिए मेरे हैं वो एक एक करके भजिए तल दूँगी। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो भजिए हमारे अंदर से कच्चे रहेंगे, ऊपर से सिक जाएंगे। आई होप आपको मेरा आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके मैं बिल्कुल भी मत जाना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए भजिए अच्छे से हो रहे हैं, मैं से हो जाएगा निकाल दूंगी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।